तुम कल कहाँ गए थे? मैं कल पिक्चर देखने गया था। अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरीके की जो आम जिंदगी के अंदर जो बातें होती हैं, जो हम हमारी मदर टंग यानी हमारी मातृभाषा के अंदर करते हैं, हिंदी लैंग्वेज के अंदर करते हैं, आज उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स हो उन्हीं बातों को मैं आपको इंग्लिश के अंदर सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश भाटिया इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप घर बैठे फ्री इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बटन पे हिट करें। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन। आपको इसके हेडिंग से पता लग रहा है, फ्रेमिंग यानी फ्रेम करना। मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि क्वेश्चन हम किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला रूल ये होता है कि आपका अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब तो उसका जो आपको आंसर्स मिलेगा यानी उसका आपको जो रिप्लाई मिलेगा, वो रिप्लाई आपको मिलेगा उसका यस और नो में। आपके सामने कोई रिप्लाई लिखा हुआ आया, फॉर एग्जांपल ये रिप्लाई लिखा हुआ है आपके सामने, यस आई प्ले क्रिकेट, ये हमारे सामने आंसर लिखा हुआ है, हमको इस आंसर से क्वेश्चन बनाना है। जवाब मिला मुझे हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि जो आंसर यस या नो से स्टार्ट हो रहे हैं उनका जो क्वेश्चन बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर टेंस को पहचानना है कि सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में पूछा जा रहा है तो आंसर भी प्रेजेंट में आएगा, क्वेश्चन अगर पास्ट में पूछा जा रहा है तो आंसर भी पास्ट में आएगा। तो यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज, तो ये सेंटेंस बनेगा डू से डू। क्वेश्चन हमेशा हम हमारे सामने वाले से पूछते हैं, तो सामने वाले को हम हमेशा यू के क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट, ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया यस आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे डू यू लाइक टी, क्वेश्चन पूछा किसी ने, लेकिन किससे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से, क्या तुम चाय पसंद करते हो? तो सीधा सीधा दो वर्ड्स के अंदर रिप्लाई कर सकता है, यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ, या अगर वो नहीं करता है उसको लाइक नहीं करता है तो वो रिप्लाई दे सकता है नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता हूं। और क्वेश्चन देखिए आप, जैसे आर यू मेकिंग नॉइज, सीधा सा क्वेश्चन पुट अप किया गया, क्या तुम शोर कर रहे हो? जवाब दे सकता है सामने वाला आपको, यस आई एम, मैं कर रहा हूं। मना करेगा नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं कर रहा हूं। ये शॉर्ट फॉर्म में हमें रिप्लाई देना है, डू यू वॉन्ट टू मैरी मी, नो, अगर करना चाहेगी तो बोल देगी यस, बस ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनके आंसर हमें केवल यस या नो से देने हैं। स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डस से शुरू हो जाए, डिड से शुरू हो जाए, इज एम आर से शुरू हो रहा हो, वॉज वर्ड से शुरू हो रहा हो, हैज हैव से, हैड से, विल शैल से, विल हैव बीन, शैल हैव बीन से, ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनका आंसर आपको ओनली यस और नो में देना है। एक एग्जांपल और देखिए, हैव यू लर्नड इंग्लिश, एक क्वेश्चन ही हो गया, इसका जवाब आप यू दे सकता है, यस आई हैव लर्न, हाँ मैं सीख चुका हूँ।
कोई सेकंड क्वेश्चन आया जो मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा हो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब से, कैन से, कुड से, मे से, माइट से, शुड से, वुड से, यह क्वेश्चन आया जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं यस। जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो जवाब क्या देगा, यस आई कैन स्पीक। जिसको बोलनी नहीं आती है वो बोलेगा नो आई कांट स्पीक। तो दीज आर क्वेश्चंस स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब एंड विच क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब वी गिव द आंसर फ्रॉम स्टार्ट द आंसर फ्रॉम यस एंड नो। दीज आर द मेन टॉपिक्स फॉर आवर डेली कन्वर्सेशन। मतलब हम रोजाना जो बातचीत करते हैं एक दूसरे से, जो हम आस्किंग करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनके अंदर ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम कल स्कूल गए थे, नहीं गया था, एक्स वाई जेड, इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन में आते हैं और फ्रेमिंग क्वेश्चन के उस टॉपिक में आते हैं जो टॉपिक जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ वो क्वेश्चन बताए हैं जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और उन क्वेश्चन का आंसर किससे दिया जाएगा, यस या नो से दिया जाएगा। तो आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स हो या किसी भी एग्जाम्पल्स को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप घर बैठे फ्री इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पर क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।